बापू के सपनों के भारत में हमारी यात्रा समस्तीपुर जिला पहुंची है, जहां हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग के दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले। इसी बीच हमारी मुलाकात आशा रानी जी से हुई। आशा रानी जी शिक्षाविद हैं, होम साइंस से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और 28 साल से एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में जनहित के लिए कृत संकल्प है। मैंने कई लोगों से इनके बारे में पूछा, उन्होंने बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ इनका नाम लिया, तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि हम भी एक बार आशा रानी जी से मिलें। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और मुझे ये बताइए कि आशा रानी जी, कि लोगों की एकमात्र आशा आप ही दिखाई दे रहे हैं। जब मैं ग्राउंड जीरो पर था तो लोग यही कह रहे थे कि हम लोगों का कल्याण सिर्फ आशा जी ही कर सकती हैं, तब आपका नाम निकल कर सामने आया। आखिर आप राजनीति में क्यों आए? जब आप सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में थे, लोगों के लिए जन कल्याण कर रहे थे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि अब हमें राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आकर आना ही पड़ेगा, तभी हम लोगों के लिए जनहित कर पाएंगे? बोलिए, राजनीति में क्यों आए? मैं अपने राजनीति में इसीलिए आई हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे, कहते थे मैडम आपकी कुछ नहीं, आप रहते अगर ऐसा नहीं होता, बहुत सारे माने काम नहीं हुआ है आपके जाने से। आपने इतने दिन से आप नहीं थे, उससे पहले माने सर थे, लोग को आने से काम नहीं हुआ है, अगर आप रहती तो ऐसा सब नहीं होता, इतना गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया, इससे समाज में जो इनका एक मान सम्मान है, जो एक उम्मीद है, एक आशा है, इससे लोग आए और लोगों ने इन्हें राजनीति में लाया। बहुत अच्छा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या लगा कि आपके पंचायत में विकास नहीं हो रहा है, तो आप न्याय के साथ विकास कैसे करेंगे? हमारे विधायक जी को जैसे फंसाया गया है, तो एक समान जनता को न्याय कैसे मिलेगा? इसीलिए हम न्याय के साथ विकास करेंगे। आशा रानी जी, भ्रष्टाचार को कैसे मिटाएंगे? भ्रष्टाचार को लेकर आपके मन में क्या सॉल्यूशन है, बोलिए। हम हर वार्ड में हर महीने आम सभा का आयोजन करेंगे और लोगों के मांग के आधार पर ही पंचायत की योजनाओं बनेगी और भ्रष्टाचार मिट जाएगा। इसे आदर्श पंचायत कैसे बनाएंगे? हमारा सपना है कि हम इसे आदर्श पंचायत बनाएंगे और महात्मा गांधी ने जो सपना देखे थे, हम उसे पूरा करेंगे। हम चाहते हैं देश के राष्ट्रपति द्वारा इस पंचायत को अवार्ड मिले। गांधी के सपनों का भारत, जिसमें ग्राम स्वराज को मजबूत करने के लिए गांधी जी बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता रखते थे, आप गांधी जी के सपनों को कैसे साकार करेंगे? गांधी जी का सपना था कि रोजगार के लिए स्वरोजगार से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए हम अपने पंचायत में महिलाओं के लिए लघु उद्योग, गृह उद्योग लगाएंगे और आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ाएंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल, नल, गली, नली जैसी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिस योजना का स्थिति काफ़ी ख़राब है आपके पंचायत में, आप उनके सपनों को कैसे साकार करेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को बिहार में सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ाएंगे, 7 निश्चय जैसी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। अपने क्षेत्र के जनता मालिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप हमारे पंचायत के लोगों से मिले, आपने देखा विकास प्रभावित हो गया। हम आपके माध्यम से
अपने क्षेत्र के सम्मानित जनता से अपील करते हैं कि सिंगिया दक्षिण पंचायत के जनता मालिकों अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप हमें वोट करें। आपका एक एक वोट आपके विकास में आपका योगदान होगा। मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है जो क्रम संख्या 2 में है। धन्यवाद। आप सबका सेवक आशा रानी।